कोरोना को नियंत्रण करने के लिए अब सोलन जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला प्रशासन अब किसी भी हालत में नियमों की ढील नहीं देना चाहता है। शादियों और समारोह के लिए भी प्रशासन द्वारा नियम बना दिए गए हैं। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने ये आदेश भी जारी कर दिए हैं कि किसी भी सूरत में नियमों को तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की कई टीमें गठित कर दी हैं, जो सादी वर्दी में भी किसी भी कार्यक्रम में रेड कर सकती हैं। जो भी नियम तोड़ता पाया जाता है उस पर जुर्माना तो किया ही जाएगा, बल्कि नियम तोड़ने के चलते उस पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि सोलन में विवाह शादियों और अन्य कार्यक्रमों की संख्या निर्धारित प्रदेश सरकार द्वारा कर दी गई है और मास्क डालना लाजमी कर दिया गया है। जब भी व्यक्ति नियम तोड़ते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कई टीमें गठित कर दी गई हैं। पंचायत प्रधानों और प्रतिनिधियों को भी सक्रिय कर उन्हें अपने क्षेत्र पर नजर रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पुलिस भी समय समय पर गश्त करेगी। जिस भी कार्यक्रम में नियम टूटते पाए गए तो उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शादियों में अब अधिकतम संख्या 50 निर्धारित कर दी गई है। इसका उद्देश्य है लोगों को संक्रमण से बचाना। अभी शादियों में आमतौर पर देखा गया है कि अनावश्यक बहुत सारी भीड़ हो रही है और जो ग्राफ अभी बढ़ा है इस प्रकार के समारोह से ही बढ़ा है। अभी हमारा अब लोगों को है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम है, फॉर्मेट है, वो ऑनलाइन अपनी परमिशनें लेंगे। इसका हमें सूचना, पूर्व सूचना आ जाती है। हम उसी समय हैं, पहले ही हम हर एक जो आयोजक हैं उनसे आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में जो शादी हो रही है या किसी प्रकार का आयोजन है उसमें कम से जो निर्धारित किए गए 50 से अधिक आदमी होंगे तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। इसके लिए उनको बाकायदा पहले ही समारोह से पूर्व ही सचेत किया जा रहा है, सारी गाइडलाइंस बता दी गई है, मैंने इस तहत आदेश भी किए हैं। हमारे ज़िले में पूरे नीचे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, BDO, SDM, SHO सारे जो है हर एक सब डिवीजन में सारी जितनी है उनकी लिस्ट उनके पास है। उन समारोह में जाके पड़ताल कर रहे हैं कि वहाँ मास्क का पहना, सोशल पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और वहाँ सैनिटाइजर है और उचित दूरी पे लोग बैठें और 40 से ऊपर आदमी ना हो, 50 हमारे अधिकतम हों, 40 से 50 के बीच, और ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पे हर एक प्रकार की जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन हो। ये लगातार ये प्रक्रिया पिछले हमारे ज़िले में 3-4 दिनों से जारी है और इसके ऊपर नज़र रखी जा रही है और यही आग्रह हम लोगों से कर रहे हैं कि अभी संक्रमण का दौर है, सर्दी का मौसम है, ठंड और ये इसका है, इसमें संक्रमण और तेज़ बढ़ जाता है। अपने आप को बचाएं, अनावश्यक तौर पे कोई कोताही ना बरतें। 3 सूत्र है उसका सख्ती से पालन करें। कोरोना आप तक नहीं पहुँचता, कोरोना को आप ही अपने घर तक पहुँचाएंगे अगर आप लापरवाही से कर लेंगे। तहकीकात की जाए, गैस होस्ट के ऊपर लगेगा और जो मास्क का है वो इंडिविजुअल के ऊपर लगेगा और उसके ऊपर केस भी रजिस्टर किया जा सकता है एपिडेमिक एक्ट और NDMA में। तो ये सारी ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि शादी में कोई इस प्रकार का कोई खलल पड़े। आयोजक जो वहाँ पे सर्व कर रहे हैं वो सारे लोग ये सुनिश्चित करें, ये सारी जिम्मेवारी आयोजक की है। आयोजक इस चीज़ का सुनिश्चित करें हर एक आदमी मास्क पहन के रहें, उचित दूरी रहें और संख्या जो निर्धारित की है उसका अनुपालन हो और वहाँ पे हाथ धोने की उचित व्यवस्था हो, सैनिटाइजेशन हो और पूरा एक वहाँ पे प्रोटोकॉल इसमें रहिए, हम सुनिश्चित कर रहे हैं।